नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को राम राम जी। और यहाँ पर देखिए, आज है अनंत चतुर्दशी और आज है गणपति विसर्जन भी। तो मैं बना रही हूँ, भोग के लिए तैयारी कर रही हूँ। और अभी बना रही हूँ मैं मोदक। मोदक के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा दूध डाला है, एक कप के लगभग। और इसमें डाल दिया है मैंने कोकोनट पाउडर, जो नारियल का बुरादा होता है। मैं नारियल के जो सूखा बुरादा होता है उससे बना रही हूँ मोदक। तो ये अच्छे से सुखा लिया है मैंने इनको, इसका दूध पूरा सुखा लिया है। अब इसमें इलायची जो है कूट कर डाल दिया। अगर आपके पास इलायची का पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और अब मैं कर दूंगी गैस को ऑफ, क्योंकि ये अच्छे से सूख गया है दूध को। दूध के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि इनके हम आराम से मोदक बना सके। एक तरफ खीर बन रही है और यहाँ पर ये देखिए, ये भी ठंडा हो गया कढ़ाई में। और यहाँ पर आलू गोभी की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है पूरियों के साथ, तो इसे भी रख देंगे साइड में। देखिए, खीर बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है गणपति बप्पा की, तो ये खीर मैंने बनाई है। मोदक भी उनको बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं तो मोदक भी बनाए हैं। तो यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है नारियल का, जो हमने बनाकर रखा था। इसमें मैं आधी कटोरी के लगभग जो है मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा मैंने बचा लिया। और अब मैं यहाँ पे पाउडर शुगर यानी कि जो बूरा होता है वो ऐड करूँगी। अच्छा, नारियल पाउडर जो है उसमें भी मिठास होती है, तो थोड़ा सा मैंने बचा लिया, कहीं बहुत ज़्यादा मीठे ना हो जाए मोदक। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें हल्का सा फूड कलर ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो आप नहीं भी डालें, स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इससे मोदक देखने में सुंदर लगते हैं, खाने का टेस्ट वही रहता है ना, क्योंकि ये कोकोनट से बने तो कोकोनट और मिल्क पाउडर से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको मैं हाथ से अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि स्पून से उतने अच्छे से मिक्स नहीं होता है। तो देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब बनाएंगे हम इसके मोदक। देखिए बिल्कुल तैयार है मोदक बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी मोदक बनते हैं, देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और बप्पा को तो प्रिय है ही मोदक। तो यहाँ पर देखिए, मोदक का ये इस तरीके का मेरे पास एक मोल्ड है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। मेरा जो कुकिंग का चैनल है उस पर मैंने मोदक बनाने का 2-3 वीडियो शेयर करे हुए हैं। एक तो इसमें इस तरह से मोदक स्टैंड से बनाए, और एक मैंने हाथ से बनाए हैं, हाथों से कैसे बनाते हैं अगर इस आपके पास ये मोल्ड ना हो तो। तो यहाँ पे दोनों साइड में घी लगा दिया है मैंने, ताकि हमारे जो मोदक हैं वो हम आसानी से बाहर निकाल सकें। तो इसलिए मैंने पहले इसमें थोड़ा सा दोनों तरफ घी लगा दिया है, और ये जो हमने बनाकर रखा था मिश्रण इसको भर दिया है, और जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल लेंगे। बहुत ही सुंदर मोदक बनकर रेडी होते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा मोदक बन गया है। एक मैंने आपको इस तरह से बनाकर दिखाया, देखिए कितना अच्छा, इसको थोड़ा सा ऊपर से शेप दे दी है मैंने। तो यहाँ पर देखिए, ये मोदक बनकर रेडी हो चुका है। एक मोदक मैं अभी आपको और बना के दिखाती हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से बनाते हैं। और हाथ से भी मोदक बहुत आसानी से बन जाते हैं, बस उसको थोड़ा हाथ से शेप देने में हल्का सा जो है थोड़ी सी मेहनत लगती है, ज़्यादा नहीं, वो भी आसानी से ही हो जाते हैं। मेरे पास मेरे चैनल पर वीडियो है उसका भी। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारे सारे मोदक बन के रेडी हो गए। दूसरा भी मैंने आपको बनाकर दिखा दिया था। ऊपर से थोड़ा सा जो हम इस पर नारियल का बुरादा डाल देंगे तो ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इनका कलर अच्छा आएगा, पिंक और वाइट करके, तो बहुत ही सुंदर लगेंगे और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा कभी भी। तो तैयार है मोदक। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पारुल जनन में। और आज है अनंत चौदस, यानी आज विसर्जन है, गणपति जी आज जो है विदा हो जाएंगे। जिन्होंने भी रखे हैं 10 दिन के लिए, वो आज उनको आज उनका विसर्जन करेंगे। तो अनंत चौदस भी है और विसर्जन भी है, तो मैंने कर ली है विसर्जन की सारी तैयारियाँ, भी मैं दिखाऊँगी आपको। पूड़ियाँ बनानी है बस मैंने, और खीर बनाई है, आलू गोभी की सब्जी बनाई है, मोदक बनाए हैं और रायता है। तो गणपति जी की विदाई के लिए हम उनको खिला पिला के ही विदा करेंगे, ताकि अगले साल वो फिर से आएँ। थोड़ा अजीब तो लगता है, मन को दुख लगता है, इतने दिन तक वो हमारे साथ रहते हैं फिर विदा हो जाते हैं, तो दुख लगता है बहुत ज़्यादा, पर ऐसा ही होता है तो करना ही है। तो तैयारी हो चुकी है, मोदक भी मैंने बना लिया, आपको दिखाया भी है, रेसिपी शेयर की है मैं, वो आप देखिएगा। तो वो मोदक बन चुके हैं, खीर बन चुकी है, सब्जी बन चुकी है, और अब बना रही हूँ पूरियाँ, जिसके लिए आटा लगा दिया है और ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ, तब से मैंने आपसे बात नहीं की है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने विसर्जन के लिए जो रखा हुआ है, जिसमें हम विसर्जन करेंगे गणपति जी का, वो मैं आपको दिखाती हूँ।
यहाँ पर देखिए एक बाल्टी रखी है, बिल्कुल साफ बाल्टी है, इसे हम यूज़ नहीं करते हैं और इसी में जो है हम पूजा वगैरह के काम भी करते हैं। तो इसी में हम करेंगे विसर्जन अपने बहुत छोटे से गणेशा जी के, जो मिट्टी से बने और यहाँ फूल रखे हैं, और फूल अभी इसमें डाल देंगे। मैंने दिखाया आपको कि गणेश विसर्जन के लिए हम क्या तैयारियां करी हैं हमने। तो चलिए फिर मैं किचन में चलती हूँ और जाके फटाफट पूरियां बनाती हूँ, प्रसाद की थाली लगाएंगे और आपको भी दिखाएंगे क्या क्या बनाया है मैंने। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, और यहाँ देखिए खीर बन चुकी है और आलू गोभी की सब्जी भी बिल्कुल तैयार है। मोदक बनाकर मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं और आटा लगा लिया है पूरियों का, और यहाँ थाली रखी है देखिए, जिसमें मैंने जो है गणेशा जी का भोजन निकालना है गणपति जी का, और आटा रेडी है और ऑयल भी देखिए गर्म हो चुका है। अभी बस मुझे दही में बूंदी डाल के रायता बनाना, फटाफट बन जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं अब जल्दी से बना रही हूँ पूरियाँ, ताकि जो है प्रसाद समय पे बन जाए और हम प्रसाद खिलाने के बाद जो है गणपति जी को थोड़ी देर के बाद विदा भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूरियाँ। तो सबसे पहले मैं 5 पूरियाँ बना लूँगी प्रसाद में भोग के लिए, फिर बाकी घर वालों के लिए मैं बाद में बना लूँगी। अभी तो हमें गणपति जी को भोग लगाना है, उसके हिसाब से मैं जल्दी से 5 पूरियाँ बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पर बन चुकी हैं पूरियाँ, और मैंने रायता भी बना लिया है, और आलू गोभी की सब्जी और खीर, ये सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं थाली में। 5 पूरियाँ मैंने बना ली हैं अभी पूजा करने के लिए, साथ में मोदक भी रख दूंगी। तो ये हमारी कंप्लीट जो है भोग की थाली बन चुकी है गणपति बप्पा के लिए। तो ये देखिए हम यहाँ पर लगा रही हूँ मैं मोदक, तो फटाफट से जो है हमारा ये प्रसाद बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हम पूजा करेंगे और उसके बाद हम बाद में प्रसाद खाएंगे। तो अभी जल रखना है में, वो जल भी मैं रख दूंगी। तो यहाँ पे देखिए जल रख दिया है, और चलिए अब करते हैं हम फटाफट से अपने गणपति जी की पूजा और उनको लगाते हैं भोग, ताकि विदा होने से पहले बप्पा खुशी खुशी अपना भोजन ग्रहण करें। फ्रेंड्स, भोग की थाली बनकर तैयार हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने इसमें मोदक भी रख दी है, तो देखिए हमारी थाली बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब चलेंगे हम गणपति जी को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप थाली में क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए। तो चलिए फिर चलते हैं, भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान गणपति जी को विदाई देते हैं आज हम। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए बाल्टी में मैंने फूल डाल दिए हैं, और जो भी मेरे पास फूल रखे थे वो मैंने बाल्टी में डाल दिए हैं, और अभी लगा देंगे भोग। देखिए पहले बेटी लगा रही है, फिर उसके बाद बेटा भोग लगाएगा। मैंने लगा दिया है गणपति जी को, तो पापा को भोग लगाएंगे, फिर थोड़ा मन भी है मेरी बेटी। अब बेटा देखिए भोग लगा रहा है और पूजा कर रहा है गणपति बाप्पा की। तो आप भी देखिए और आशीर्वाद ले लीजिए बाप्पा का। तो यहाँ पर देखिए बप्पा पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं मेरे दोनों बच्चे, और उनके साथ रंग खेल रहे हैं, क्योंकि रंग खेल के ही हम जो है बप्पा को विदा करते हैं। तो यहाँ पर विदाई की पूरी तैयारी हो चुकी है, और अब फूल डाल देंगे, मैं भी फूल डाल रही हूँ, रंग भी डालेंगे, मतलब कलर डालते हैं और कलर खेलते हैं बप्पा के साथ जब उनको विदा करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, इतने दिन साथ में रहे बप्पा, खुशी भी हुई है और थोड़ा सा दुख भी होता है जब भी हम विदा करते हैं बप्पा। तो यहाँ पर तैयारी हो चुकी है, अब बच्चे जो है वो मैंने अपने दोनों बच्चों से ही जो है सारी पूजा करवाई है, और वही विसर्जन भी करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें बच्चों को भी इन चीज़ों में रखना चाहिए, पूजा के कामों में, अच्छे कामों में संस्कार देने चाहिए बच्चों को, ताकि वो भी समझ सकें अपनी संस्कृति को।
काट दूंगी इधर। तो विसर्जन हमने कर दिया है, गणपति बापा को विदा कर दिया है, और बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है क्योंकि 10 दिन वो रहे हमारे साथ में, तो थोड़ा सा सभी को दुख होता है जो लोग भी रखते हैं गणपति, और इतने दिन रखते, 2 दिन भी रखो तो दुख होता है, तो ये तो हमने पूरे 10 दिन रखे हैं तो बहुत ज़्यादा दुख तो हो रहा है, लेकिन क्या करें। फिर उनके से यही कहा है कि फिर से अगले साल हमारे घर में आइए, दर्शन दीजिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। और आज गणपति जो है वो चतुर्थी के जो हमारे 10 दिन चल रहे थे वो ख़त्म हो चुके हैं, और अनंत चौदस का दिन है, कल से श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। तो अब जो है गणपति विसर्जन हो चुका है, सभी ने आज कर दिया है लगभग, तो हमारा भी हमने कर दिया है विसर्जन बड़ा दुख के साथ। तो चलिए कोई नहीं, ये तो करना ही होता है, जैसे हम रखते हैं वैसे उन्हें विसर्जित भी करना होता है। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बच्ची बेटी ने बनाया है तो वो दुखी हो रही है, वो हमेशा बहुत रोती है जब भी विसर्जन करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रोती है, दुख तो होता ही है। देखिए मैं पूजा करती थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, अब वो जगह जो हमने सजाई थी वो सूनी सूनी सी हो जाएगी, तो दुख तो होता ही है अंदर से, बट कोई बात नहीं, अगले साल फिर आएंगे गणपति बप्पा, फिर से हम उनको विराजमान करेंगे तो अच्छा लगेगा, फिर से वही दिन आएंगे। तो आप सभी को मैं आपसे वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, और आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ गणपति बप्पा से कि वो आप सबको अपना आशीर्वाद देकर जाएं। तो मिलूँगी फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।